दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। कैंटोनमेंट बोर्ड के चुनावों में वार्ड नंबर एक से खड़े उम्मीदवार राम अवतार अग्रवाल द्वारा अपने वार्ड का दौरा किया गया। इस दौरान उन्होंने लोगों के घर घर जाकर उनसे उनका समर्थन देने के लिए अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बातचीत करते हुए उन्हें विश्वास दिलाया कि यदि वह इस बार इन चुनावों में विजयी रहे तो वह लोगों को आने वाली हर प्रकार की दिक्कत व समस्याओं को पहल के आधार पर हल करेंगे। इस दौरान उनके साथ सीए अंकुर गोयल, सीए अनमोल अग्रवाल, राजेश अग्रवाल, शिव अभी, राजकुमार अग्रवाल, नीरज सहगल, विजय सलोदिया, पदम सलोदिया, चंद्रशेखर खन्ना, नवनीत अभी, विजय गोयल, विनोद गोयल सहित अन्य समर्थक भी मौजूद थे। मैं जलंधर छावनी में जो 11 जनवरी को चुनाव हो रहे हैं वार्ड नंबर एक से राम अवतार अग्रवाल सिलाई मशीन के चुनाव निशान पर इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मैं सारे छावनी की जनता को एक ये इंश्योर करना चाहता हूँ कि मैं जीतने के बाद जो कि पिछले पूरे पंजाब के बीच में ओकट्रय हटा हुआ है और कैंट के बीच में ओकट्रय लगा हुआ है, इसको सबसे पहले हटाऊंगा। मैं छावनी के वार्ड नंबर एक से सारे वोटरों से एक अपील करता हूं कि 11 जनवरी को सब जने आगे होकर आकर सिलाई मशीन जो उसके बटन दबाएं और मेरे को कामयाब बनाएं। मेरा जो चुनाव निशान सिलाई मशीन है वो सबसे पहले नंबर पर है, उसके बटन दबाएं और मेरे को कामयाब बनाएं जो कि मैं आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकूँ।